हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल एट होम। तो दोस्तों, आज हम यहां पर बात करने वाले हैं सोनोरस मेटल क्या होते हैं या फिर मेटल की सोनोरिटी क्या होती है। इस चीज़ को दोस्तों बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। आपको बिल्कुल दोस्तों रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहीं आपको एक बात बता दूँ कि जो सोनोरस या सोनोरिटी जो होती है वो दोस्तों मेटल की ही एक प्रॉपर्टी होती है। अब इस प्रॉपर्टी में क्या आता है वो अब हम यहाँ पर देखते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, सोनोरस मटेरियल कौन से होते हैं, सोनोरिटी क्या होती है, वो दोस्तों हम यहाँ पर दोनों को एक साथ देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या कहती है। डेफिनेशन दोस्तों कहती है, सोनोरस इज वन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाई विच साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन मेटल इज स्ट्रक। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, सोनोरस या फिर सोनोरिटी किसी भी मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से दोस्तों जब हम किसी भी मेटल को स्ट्रक करें या टकराएं या फिर उसको पीटें या मारें तो दोस्तों उससे कैसी साउंड प्रोड्यूस हो, उससे एक डीप साउंड प्रोड्यूस हो। ये दोस्तों मैं आपको बताऊंगा किस तरीके की साउंड होनी चाहिए, वो दोस्तों जब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, इसके नोट पॉइंट्स बताऊंगा, एग्जाम्पल बताऊंगा, वहां पर मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि वो साउंड कैसी साउंड होनी चाहिए जिससे हम उस मेटल को क्या कह सकें, सोनोरस मेटल कह सकें या उस मेटेरियल की सोनोरिटी को हम कह सकें। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर दोस्तों आपको क्या समझ में आया, सोनोरिटी किसी भी मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से दोस्तों जो हमारी मेटल होती है वो क्या करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है। कैसा साउंड प्रोड्यूस करती है, डीप साउंड प्रोड्यूस करती है। कैसा दोस्तों, मैंने क्या बताया आपको, डेफिनेशन आपको पता चल चुका है, सोनोरिटी की मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया है। आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं यहीं से अगर आपको डेफिनेशन देखनी है। अब मैं दोस्तों यहां पर इसका आपको दिखाता हूं एग्जाम्पल। ये दोस्तों एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है किसी भी सोनोरस मटेरियल का, ये आपने दोस्तों बहुत जगह देखा होगा। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, बेल कहते हैं, इसे घंटी कहते हैं। आपने दोस्तों मंदिरों में देखा होगा, ये इसी तरीके की घंटी लगी हुई होती है। आपने अपने घरों में भी देखा होगा, इसी तरीके की घंटी आपके घरों में भी मिल जाएगी। ये दोस्तों एग्जाम्पल हो गया किसका, बेल का। आपको बहुत सारी मोस्ट कॉमन जगह पर भी घंटी आपको देखने के लिए मिल सकती है अगर दोस्तों आपने नहीं देखा है। अगर आपने दोस्तों अपने स्कूल में देखा होगा, स्कूल में इस तरीके की बेल होती है जिसे हम दोस्तों घंटा कहते हैं। इसे भी दोस्तों हम स्ट्रक करते हैं किससे, लकड़ी के हैमर से दोस्तों अगर स्ट्रक करते हैं तो यहां पर भी दोस्तों क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। ये भी दोस्तों किसका एग्जांपल होगा, यूज होगा, ये दोस्तों यूज हो गया किसका, सोनोरस मटेरियल का। यूज कहां पर यूज होता है वो आपको दिख चुका है। आपके घर में जो दोस्तों घंटी लगी हुई होती है उनके अंदर भी दोस्तों क्या होता है, सोनोरस मेटल ही यूज किया जाता है साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। तो आप दोस्तों देखते हैं इनकी साउंड कितनी डीप होती है, कितनी ज्यादा इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा हाई होती है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये पता चल चुका है। अब हम दोस्तों इसके नोट पॉइंट की बात कर लेते हैं जो समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं और यहाँ पर दोस्तों इसके एग्जांपल देखेंगे, कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा सोनोरस होता है, किस मेटल की सबसे ज़्यादा सोनोरिटी होती है, क्या कौन कौन से मेटल इसके एग्जाम्पल होते हैं, एलॉय भी होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी दोस्तों क्या होती है, सोनोरस इज प्रॉपर्टी ऑफ मेटल प्रोड्यूस साउंड। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है किसकी, सोनोरस मेटल की, क्या किस साउंड को प्रोड्यूस करना, ये इसकी एक प्रॉपर्टी होगी। दूसरी क्या होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी सोनोरस इज ड्यू टू इलास्टिसिटी। यहां पर दोस्तों याद रखिए, जो सोनोरस मेटल होता है वो सोनोरस किसकी वजह से होता है, वो दोस्तों होता है इलास्टिसिटी की वजह से। किसकी वजह से दोस्तों, अगर किसी मेटल के अंदर क्या होगी, इलास्टिसिटी होगी तो दोस्तों कैसा मेटल होगा, वो सोनोरस मेटल होगा। अगर दोस्तों आपको ये सारी प्रॉपर्टी की देखनी है, इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी, टफनेस, मेलेबिलिटी, ये सब क्या होती है, इन सब की दोस्तों मैंने आपको प्लेलिस्ट बनाकर दे रखी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां जाकर आपको दोस्तों सारी की सारी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल मिल जाएंगी, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल आपको सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। और दोस्तों आपको उस सीरीज में हर एक आपको ऐसी डेफिनेशन मिल जाएंगी बहुत सारी जो आपने नहीं सुनी होंगी या फिर आपको दोस्तों बहुत ज्यादा आपकी डेली लाइफ में यूज होती हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या कहती है, सोनोरस मटेरियल इज वेरी डीप साउंड हैविंग रिच क्वालिटी। रिच क्वालिटी की दोस्तों कैसी साउंड होनी चाहिए, बहुत ही डीप साउंड होनी चाहिए। दोस्तों डल साउंड आपको पता है कैसी होती है, जब आप किसी भी वुड को स्ट्रक करते हैं तो दोस्तों आपको पता है कैसी साउंड होती है, लेकिन वो दोस्तों सोनोरस नहीं कहलाएगी, वो उसकी सोनोरिटी नहीं कहलाएगी। सोनोरिटी के लिए दोस्तों क्या होना जरूरी है, होना जरूरी है दोस्तों उसकी रिच क्वालिटी ऑफ डीप साउंड, वेरी डीप साउंड
साउंड दोस्तों उसके अंदर होना चाहिए जरूरी है, वेरी डीप साउंड होना जरूरी है। वो आपको कहां देखने को मिलेगा, जब आप किसी मेटल को स्ट्रक करेंगे या फिर आप दोनों एक मेटल को स्ट्रक करेंगे या फिर आप किसी मेटल को किसी अदर मटेरियल के साथ क्या करेंगे स्ट्रक करेंगे, वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी। आप लकड़ी को स्ट्रक करेंगे आपको वहां से आवाज देखने के लिए नहीं मिलेगी, आप कंक्रीट को करेंगे वहां से आपको आवाज देखने के लिए नहीं मिलेगी, और दोस्तों ऐसे बहुत सारे मटेरियल होते हैं जहां पर आपको ये आवाज देखने के लिए नहीं मिलेगी। दोस्तों इसका मतलब क्या है, आपको आवाज देखने के लिए मिलेगी लेकिन दोस्तों डीप साउंड देखने नहीं मिलेगी, वो आपको डल साउंड बहुत ही ज्यादा डल उसकी आवाज आपको देखने के लिए मिलेगी, डीप साउंड आपको दोस्तों देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये मेरा आपको बताने का मकसद था कि यही मेरा पर्पस था कि वो कैसी आवाज होनी चाहिए, वो कैसी साउंड होनी चाहिए जिससे हम क्या कह सकें उसे सोनोरस कह सकें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दोस्तों यहां पर देख लेते हैं क्या इसकी, यहां पर दोस्तों मैंने आपको एग्जांपल बताया कौन कौन से होते हैं, एलॉयज होते हैं बहुत सारे, कौन से ब्रॉन्ज होता है, ब्रास होते हैं दोस्तों, एलॉय होते हैं आप सभी को पता है, कॉपर होता है, स्टील होता है, एल्यूमिनियम होता है, टिन, सिल्वर, आयरन, बहुत सारे दोस्तों ऐसे एग्जांपल हैं, बहुत सारी मेटल होती हैं, सभी के अंदर देखने के लिए मिलती है, किसको छोड़कर दोस्तों किसे एक मेटल होती है जिसमें ये प्रॉपर्टी देखने को ले मिली है, वो कौन से होते हैं, मरकरी। दोस्तों मरकरी के अंदर ये प्रॉपर्टी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी क्योंकि दोस्तों मरकरी कैसी होती है, मरकरी दोस्तों हमारी लिक्विड फॉर्म में होती है लेकिन वो मेटल होती है, इस वजह से दोस्तों उसके अंदर क्या देखने के लिए मिलेगी, सोनोरस की प्रॉपर्टी देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब दोस्तों यहां पर हम देख लेते हैं ये एक छोटी सी बात कि दुनिया में सबसे ज्यादा सोनोरिटी किस मेटल की होती है, तो दोस्तों ये रहा आपके सामने आंसर, किसकी, सिल्वर की दोस्तों सबसे ज्यादा सोनोरिटी होती है। ठीक है दोस्तों, यही अभी तक हमें सुनने के लिए मिलता है कि सिल्वर की सबसे ज्यादा सोनोरिटी होती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो और भी मेरे वीडियोस को देखिए, और दोस्तों अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।